नमस्कार, एनबीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्रस शहर में गुरुवार की सुबह यवतमाल में उपचार ले रहे संभाजीनगर निवासी कोरोना पॉजिटिव एक बुजुर्ग की मौत की खबर आने से शोक लहर व्याप्त थी। वहीं गुरुवार की शाम को तुपताकली गांव के एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत का मामला भी सामने आया है। इस संदर्भ में वैद्यकीय सूत्रों ने बताया कि संबंधित शख्स तुपताकली ग्राम निवासी है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे बुधवार को यवतमाल में उपचार के लिए दाखिल किया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर संबंधित शख्स की मौत होने से तुपताकली गांव तथा परिसर में गम का माहौल है। मालूम हो कि गुरुवार की सुबह दिग्रस कोविड केयर से सूरजनगर के 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया था, जिसके बाद कुल कोरोना मरीजों की संख्या 82 हो चुकी थी। ऐसे में अब कोविड केयर के सूत्रों के मुताबिक शहर के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर तथा बापूनगर निवासी एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी हाथ लगी है, जिसके बाद गुरुवार रात तक तहसील के कुल कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 83 हो चुकी है। आज ही के दिन संभाजीनगर में अष्ट विनायक गणेश मंडल की ओर से कोविड कैंप का आयोजन किया गया। गणेशोत्सव के दौरान कोविड कैंप का आयोजन करने का श्रेय अष्ट विनायक गणेश मंडल को जाता है। इस कैंप में संभाजीनगर तथा परिसर के कुल 87 लोगों ने स्वैब टेस्टिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर अभय गोविंदवार की अगुवाई में कोविड केयर की टीम ने स्वैब टेस्टिंग में योगदान दिया। इस आयोजन के बारे में अष्ट विनायक गणेश मंडल के अध्यक्ष सुधीर भोसले ने जानकारी दी है। आमच्या नगरात वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता आमच्या अष्टविनायक गणेश मंडळातर्फे आम्ही असं ठरवलं की इथं कोविड टेस्ट कॅम्प घेऊ म्हणून, आणि त्या संदर्भात आम्ही इथं कोविड कॅम्प घेत आहोत। आणि माझी एक इच्छा आहे की दिग्रसमधील प्रत्येक गणेश मंडळाने हा कॅम्प घ्यावा। गौरतलब है कि यह गणेशोत्सव के दौरान कोविड कैंप का यह आयोजन न सिर्फ अपनी तरह का पहला आयोजन साबित हुआ, बल्कि इस पहल से जनता में कोरोना को लेकर बैठे डर को भगाने का भी यह उम्दा प्रयास साबित हुआ। गौरतलब है कि इस साल गणेशोत्सव के दौरान कोविड कैंप का यह आयोजन न सिर्फ अपनी तरह का पहला आयोजन साबित हुआ, बल्कि इस पहल से जनता में कोरोना को लेकर बैठे डर को भगाने का भी यह उम्दा प्रयास साबित हुआ है। एनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।